लोग ट्रैकियल शिफ्ट तक पढ़े थे ना जी, कि ट्रैकिया सेम साइड में शिफ्ट होता है, अगर कोलैप्स हो, फाइब्रोसिस हो, ट्यूमर हो, और दूसरे साइड में अपोजिट साइड में शिफ्ट होता है ट्रैकिया, या न्यूमोथोरेक्स हो, हाइड्रोथोरेक्स हो, या फेफड़े का हिस्सा ना बना हो, ये हम लोग कम पढ़े थे। आज हम लोग बात करेंगे चेस्ट वाल मूवमेंट। तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो नॉर्मली तो दोनों चेस्ट वाल बराबर मूव करता है, लेकिन अगर किसी को न्यूमोनिया हो जाए, एक तरफ के फेफड़े में फाइब्रोसिस हो जाए, तो उस तरफ का चेस्ट वाल का मूवमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा नॉर्मल वाले की अपेक्षा। तो चेस्ट वाल का मूवमेंट देखने का यही फायदा है कि कोलैप्स हो, इफ्यूजन हो, कोई कैंसर हो या हीमोफोरेक्स हो, इन सब कंडीशंस में जिस जगह प्रभावित फेफड़े का हिस्सा है उस साइड के चेस्ट वाल का मूवमेंट कम होता है। इसके बाद रेस्पिरेटरी रेट की बात की जाए तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट हम लोग 20 तक मानते हैं एडल्ट में। 20 से ज़्यादा होगा तो कारण हम लोग ARDS हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, न्यूमोनिया हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, COPD उसका उगता हो या अस्थमा उगता हो, इसके अलावा एसिडोसिस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, थायराइड बढ़ा हुआ हो सकता है, फीवर हो सकता है, और ये सब अगर नहीं है तो FND हो सकता है, स्टीरिया पहले सब रूल आउट करना पड़ेगा, तब अगर ये सब नहीं है तब उसके बारे में सोचेगा। इसी तरीके से जब सांस की रफ्तार 1 मिनट में 10 बार से कम हो जाए तो उसको ब्रेडीएपनिया कहेंगे, और ब्रेडीएपनिया का कारण कोई मॉर्फिन या ओपियम भांग ज्यादा खा लिया हो, ब्रेन में कोई दिक्कत हो, हेमरेज हो जाए, ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए, हाइड्रोसिफेलस हो जाए, कोई भी ब्रेन के अंदर का चीज जो ब्रेन में प्रेशर बढ़ाएगा तो सांस की रफ्तार में क्या करेगा, कम होगा। हम पढ़े भी थे कि जहाँ पे मेनिंजाइटिस में इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर का लक्षण पड़ा था ना, उसमें था ना सांस का रफ्तार कम हो जाता है। अब यहाँ उल्टा कर लो कि सांस का रफ्तार किसी का कम है तो उसमें एक कारण उसके दिमाग में अंदर कोई भी तरीके का लीजन हो सकता है, ट्यूमर, ब्लड, पाना। उसके बाद अगर CO2 का लेवल बढ़ जाए ब्लड के अंदर, CO2 मान लो निकल नहीं पा रहा है, एक्यूमुलेट होते जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, उस कंडीशन में भी वो क्या करता है, ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है उसको सप्रेस कर देता है, और सप्रेस कर देगा तो सांस का रफ्तार क्या होगा। इसीलिए APG जरूरी होता है, जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाला बच्चा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है और अगर उसका CO2 का लेवल बढ़ रहा है तो इंडिकेटिव है कि उसको वेंटिलेटर पर डाल दो, वेंटिलेटर पर डाल के इसका कार्बन डाइऑक्साइड मास आउट करो, नहीं तो CO2 का लेवल बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन आएगा, एक थ्रेशोल्ड पार कर जाएगा, उसको बोलेगा CO2 नार्कोसिस। उस स्थिति में वही कार्बन डाइऑक्साइड जब लो लेवल पे रहता है तो उस रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है सांस लेने के लिए, उसका उत्तेजक होता है, लेकिन वही CO2 का लेवल जब एक लेवल से आगे चला जाएगा, PaCO2 60 से ऊपर हो जाएगा, 60 मिनट जिसमें तो सप्रेस कर देगा, और तब वही पेशेंट सांस रोकना।
इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए तब भी सांस कम हो जाए, और ऐसे तो नवजात बच्चों में बहुत कॉमन होता है, इसीलिए टेम्परेचर मेंटेन करके रखना ज़्यादा जरूरी है। वो भी आजकल ठंडा के मौसम में टेम्परेचर कम होगा उसका बेसिक में मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, जाहिर बात है कि उसकी वजह से सांस का रफ्तार कम हो जाएगा। हाइपोथर्मिया टेम्परेचर कम हो। इसके बाद है कि किसी का थायराइड बहुत कम हो तो उस कंडीशन में एक बीमारी होती है मिक्सी बीमा, पूरा शरीर सूज जाएगा और ऐसे किसी में कोमा में जाने लगता है, थायराइड का लेवल कम होने से उस स्थिति को मिक्सी बीमा कहा जाता है, और उस पोजीशन में भी सांस का रफ्तार उसके बाद एक शब्द आता है हाइपरपनिया। देखो टैकीपनिया पढ़े ब्रैडीपनिया पढ़े, एक शब्द आएगा हाइपरपनिया। हाइपरपनिया क्या है, जहां सांस का रेट भी बढ़ गया और सांस का डेप्थ भी बढ़ गया, एवं सांस बढ़ना है टैकीपनिया है, और एक है तो रेट भी बढ़ा और सांस का डेप्थ गहराई भी क्या हो गया बढ़ गया। इसको क्या कहा जाएगा हाइपरपनिया। ये कब होगा जब शरीर में एसिडोसिस हो जाए, एसिड का लेवल बढ़ जाए, डायबिटिक किस्म पीटू एसिडोसिस हो जाए, ब्रेन स्टेम का लीजन हो, ब्रेन में ब्रेन स्टेम होता है उसमें ब्लीडिंग हो जाए या ट्यूमर हो जाए इन्फेक्शन हो जाए तब होगा, और हिस्टेरिया की वजह से मैंने फंक्शनल कारण। अब इसके बाद कुछ रेस्पिरेटरी पैटर्न है उसकी बात हम लोग करेंगे। एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न तो है कि ये एबनॉर्मल, इससे इतर जितना है वो सब एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न है। तो इसमें सबसे पहला है चेन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग। एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न में पहला है चेन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग। इसमें क्या होता है भाई, तो चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग में पेशेंट जो है लंबा और गहरा तेज तेज सांस लेगा और बीच बीच में थोड़ी देर के लिए सांस होल्ड कर लेगा, रोक लेगा, ठीक ना, और ये एक रेगुलर इंटरवल पे ऐसा करेगा। जैसे मान लो कि चार बार तेज और गहरा सांस लिया तो दो सांस के बराबर सांस रोक लेगा, फिर चार बार नॉर्मल और गहरा सांस लिया और फिर दो सांस के बराबर सांस रोक लेगा, मतलब तेज लिया, नॉर्मल लिया और दो बार के लिए रोक लिया, इसको चेन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग कहते हैं। ऐसा पेशेंट जिसका गुर्दा फेल कर जाए, वो पेशेंट के ब्लड में यूरिया का लेवल क्या होगा बढ़ जाएगा, और वो यूरिया जब लेवल ब्लड बढ़ेगा तो उससे ब्रेन में सूजन होगा, इंसेफेलोपैथी डेवलप करेगा, और उस कंडीशन में पेशेंट ऐसा कर सकता है, मैंने गुर्दा फेलियर वाला मरीज, दूसरा हार्ट फेलियर वाला मरीज, और तीसरा लीवर फेलियर की वजह से अगर ब्रेन कोमा में जा रहा है तब उस पर। उसके बाद दूसरा रेस्पिरेटरी पैटर्न है कुसमाउथ ब्रीदिंग। कुसमाउथ ब्रीदिंग में क्या होता है, कि तेज और गहरा सांस लेगा और उसके बाद फिर थोड़ी देर तेज हो जाएगा, केवल तेज लेगा, जिसे देखो
तेज है, गहरा है, और उसके बाद उसमें रोक रहा था, इसमें तेज हो जाएगा। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या अलग कोई भी बीमारी जिसमें एसिड का लेवल बढ़ रहा हो, जैसे जैसे सांस ले सकता है, एसिडोटिक ब्रीदिंग भी इसको कहा जाता है, स्मार्ट ब्रीदिंग को। उसके बाद एक होता है बायोक्स ब्रीदिंग, बायोक्स ब्रीदिंग BIOT एपोस्ट्रॉफी S ब्रीदिंग, बायोक्स ब्रीदिंग मेनिनजाइटिस के केस में मिलता है। इसमें ब्रीदिंग का पैटर्न बिल्कुल इरेगुलर होगा, मतलब कभी गहरा सांस लेगा, कभी एकदम हल्का सांस लेगा, कभी लेगा ही नहीं, सब मिक्स चलेगा इसमें। मतलब इसमें कोई पैटर्न नहीं मिलेगा तुमको, सब रहेगा, ब्रेडी एपनिया भी रहेगा, एपनिया भी रहेगा, हाइपर एपनिया भी रहेगा, टेकेपनिया भी रहेगा। उसके बाद चौथा पैटर्न होता है कॉगविल टाइप ऑफ ब्रीदिंग, COGWHEEL कॉगविल टाइप ऑफ ब्रीदिंग। ये हिस्टीरिया वाले पेशेंट में ज्यादा मिलता है, फंक्शनल पेशेंट। इसमें ब्रीदिंग का ना कोई पैटर्न ही नहीं होगा, वो मतलब वो सांस ले रहा है तो बहुत देर तक तेज लेते रहेगा, या उल्टा सांस ले रहा है तो बहुत देर तक उल्टा सांस लेते रहेगा, कोई नहीं देखेगा तो नॉर्मल सांस लेगा, इसी से पकड़ा जाता है ये स्थिति वाला है। इसके अलावा एक पैटर्न होता है फास्ट लिप ब्रीदिंग, मतलब पेशेंट सांस लेगा और छोड़ने समय ना होठों के सहारे से सांस छोड़ेगा। बीच पर COPD वालों में जो क्रॉनिक स्मोकर सब होता है उसमें पॉश डीप ब्रीदिंग पाया जाता है, मतलब सांस लेगा मुंह नाक से और छोड़ेगा। उसके बाद लास्ट हम लोग को देखना होता है इंस्पेक्शन में एपेक्स बीट। एपेक्स बीट क्या होता है, जो हार्ट का मतलब धड़कन है वो हाथ लगाने पे कहाँ फील हो रहा है, छाती पे लगा पता चलेगा, इसका पोजीशन लगभग ये होता है, यहीं पे बीट एपेक्स बीट फील होता है।
एपेक्स भी डिस्प्लेस हो जाएगा अगर मीडियास्टिनम में कुछ भी है, ट्यूमर है, गांठ है, कुछ भी है, तो हार्ट को डिस्प्लेस करेगा ना, इधर से उधर कर देगा, तो एपेक्स बीट नॉर्मल अपने जगह पे नहीं मिलती, क्या होगा? साइड में, साइड में या तो इस तरफ आ जाएगा या इस तरफ, एपेक्स बीट डिस्प्लेस हो जाएगा। तो एपेक्स बीट अगर डिस्प्लेस है तो इंडिकेटिव है कि कोई मीडियास्टिनल लीजन हो सकता है। तो ये हमारा है पूरा इंस्पेक्शन का पैटर्न। अब आज आप लोग काम कीजिएगा, ये जो रेस्पिरेटरी पैटर्न हम बताए हैं ना अलग अलग, ये सब का वीडियो तुम लोग देख लेना यूट्यूब से, और उसका वीडियो जो है हॉस्पिटल स्टाफ वाले ग्रुप में शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी देख लें। चार पांच टाइप का था ना ये रेस्पिरेटरी पैटर्न, तो इसको अभी आज तुम लोग रेस्पिरेटरी पैटर्न पे वर्कअप करो।